टोटल जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है 2030 तक 350 गीगावाट। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है? आगे देखिए 20 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज राजीव गांधी रिन्यूएबल एनर्जी डे। अब ये इंटरनेशनली सेलिब्रेट नहीं कर किया जाता, नेशनली किया जाता है, ध्यान रखना। राजीव गांधी रिन्यूएबल एनर्जी डे, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, इसको याद कर लेना। हर साल 20 अगस्त को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस रूप में? राजीव गांधी एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी डे, इंटरनेशनल डे नहीं है, नेशनल है, ध्यान रखना। इज इट क्लियर? अब रैंकिंग लिखिए, ओवरऑल रैंकिंग। अब ये ध्यान रखना, ये रैंकिंग ओवरऑल है। ओवरऑल मींस जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है सभी को मिलाकर। आपको इंडिविजुअली याद रखना है कि सोलर में कौन सी कंट्री आगे है, न्यूक्लियर में और कौन सी आगे है, और ओवरऑल रैंकिंग भी याद करना है। अब हो सकता है कुछ बच्चे नेट इंटरनेट पे सर्च करें, बुक में सर्च करें, तो उनको रैंकिंग कुछ और दिखाई दे। अभी जो ये करंट रैंकिंग है मैं आपको वो ही दे रहा हूँ 2017 के खत्म होने के बाद की। तो रैंकिंग लिखिए, नंबर वन ये सभी रिन्यूएबल। हाँ जी बेटा, जितने भी है लिख लीजिए, हेडिंग दे दो ओवरऑल रैंकिंग। ओवरऑल रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ओवरऑल रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नंबर वन चाइना, नंबर टू यूएस, थर्ड जर्मनी, फोर्थ स्पेन, हां जी स्पेन, फिफ्थ इंडिया,